किस तरीके से बचाएंगे आखिरकार अरमान और आसमां मेहर को। पहले चैनल पर आ रहे सीरियल उड़ारियां के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। मैं हूं जानवी, वेलकम करती हूं आपका चैनल की तरफ से। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आलिया तो काफी बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी है और वो बेड रेस्ट पर है। उसके पाँव अब उसके साथ नहीं है, यानी कि उसके पाँव खत्म हो चुके हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं अरमान और आसमा भी काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो मेहर है उसकी नकली मॉम आके ये दावा करती है कि मेहर उनकी बेटी है। हालांकि ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि वो मेहर की असली मॉम नहीं है, लेकिन कोई सबूत नहीं है और बेबुनियाद तरीके से कुछ वो पेश करना नहीं चाहती। अरमान और आसमा को लगता है कि हमें जो है कानूनी तौर पर मदद लेनी चाहिए, और इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं और जल्दी हियरिंग की यहाँ पर अर्जी डालते हैं। और जब जल्दी हियरिंग हो जाती है तो वो अरमान और आसमा के पक्ष में नहीं होती, बल्कि मेहर की मॉम के पक्ष में होती है। अब आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मेहर से कोर्ट में पूछा जाता है, बेटा तुम्हें मम्मी के साथ रहना है या फिर पापा के साथ। तो यहाँ पर मेहर बोलती है मुझे मम्मी के साथ रहना है। अब अरमान भी परेशान हो जाता है कि भला मेहर ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन इन लोगों को समझ में आ जाता है कि छोटी सी बच्ची का माइंड वॉश किया होगा और इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाई। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से अरमान और आसमां मेहर को वापस घर लेकर आ पाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।